Hey! Çarnamat! Çarnamat! Upar geç! राज्य के लॉ मिनिस्टर की जिम्मेदारी लोगों ने मेरे कंधों पर दी है, जिसे मैं बखूबी निभा रहा हूं। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उससे मैं निपट लूंगा। इतने सालों से मिनिस्टर के कोटे में सिर्फ 100 सीट्स मिलती रही हैं, मगर इस साल से आपको कोटा बढ़ाना पड़ेगा। सॉरी सर, लिस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है। आपने जो लिस्ट फाड़ी है वो मेरे पीसी में भी है। मिनिस्टर का कोटा तो होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप अपनी सहूलियत के लिए कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में जो 40 बेस्ट स्टूडेंट्स हैं, उनका लिस्ट हमारे कंप्यूटर में है, और उनमें से भी कुछ आपके ही रिकमेंडेशन से हैं। वो सब कुछ मैं नहीं जानता। बाहर और 20 लोग इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों को सीट देते हो या नहीं? ऐसा नहीं होगा। मैं एक लॉ मिनिस्टर हूँ। आई एम टीचिंग लॉ सिंस 22 ईयर्स। प्लीज सर, नाराज मत होइए, उस प्रिंसिपल का हम कुछ करते हैं। देखो, इस राज्य में 95 लॉ कॉलेजेस हैं। एक एक कॉलेज में अगर 10 छात्रों को मेरी तरफ से एडमिशन मिलती है तो पूरे राज्य में मेरे अपने 900 लॉयर्स बनेंगे। वही पूरे 5 साल में 4,750 लोग लॉयर बनकर मेरी खिदमत करेंगे। और ये तब की बात है जब मैं लॉ मिनिस्टर बना था। अब तो आंकड़ा डबल हो चुका है, मतलब 9,500 लोग। नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में मेरी तरफ से 14,250 लोग लॉयर बनकर मेरा काम करेंगे। इतने लोगों के साथ जरा सोचो मेरी पावर क्या होगी। कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन बाय आइदर द कॉन्ट्रैक्टर और द कॉन्ट्रैक्टी, इट्स अ ब्रीच ऑफ लॉ, एंड एज पर सेक्शन 2A ऑफ लॉ 32 यू कैन फाइल अ सूट ऑफ लॉ। देयर आर वेरियस सिमिलर लेजिस्लेशंस अपार्ट फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ एज पर व्हिच दिस कैन बी हेल्ड नल एंड वॉइड। I hope you all are following what I'm teaching. शोर क्यों है यार? देखो, कॉलेज स्टूडेंट्स आपस में मारपीट कर रहे हैं, मुझे क्या करना है? तो निकल यहाँ से। दिखता तो नहीं है, कम से कम सुनाई तो देता है ना। बोला ना पीछे हटो, लड़ाई हो रही है। सर, आपको दिखाई देता है ना, तो आप कुछ कीजिए। तो मुझे मत सिखा, मुझे पता है क्या करना चाहिए। आपकी आंखें तो सही है ना, फिर भी आप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। चल, आज पता चला कानून अंधा क्यों होता है। क्या हो गया?
सर प्लीज। रोकने की कोशिश की। क्या हुआ? कुछ नहीं किया। हम तो साधु, जल्दी इधर आ। सर हम क्यों सर? चलो सर, स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, पुलिस भी यहाँ तमाशा देख रही है सर। ए, वो तमाशा देख रहे हैं तो हम भी तमाशा देखें। इसकी जान जा रही है, जल्दी इधर आ। अच्छा था, इसे पकड़, आराम से रास्ता छोड़ो। हटो 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 रास्ता। हॉस्पिटल नजदीकी है, हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सर इस सब की वजह लॉ मिनिस्टर सदाशिव है सर। अगर मैं जिंदा नहीं बचा तो ये बात आप सारी दुनिया को बता दीजिएगा। बताएंगे ना सर? तुम टेंशन मत लो, हम देख लेंगे। देखिए ये मारपीट का केस लग रहा है, बिना एफआईआर के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते सर। ए, चुप। मैं पोस्टमार्टम करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं जाकर एफआईआर दर्ज करूँ फिर तुम दवाई दोगे? एक आदमी मौत से लड़ रहा है, उसे बचाना छोड़कर ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? शांत हो जाइए सर, हम लोग अपना काम करते हैं, अगर कोई रिस्क हुआ तो इनकी जिम्मेदारी होगी। ये सुनिए, ले जाओ इसे। भागो, नहीं तो ये फंसा देगा। सर आप अंदर नहीं आ सकते, बाहर खड़े रहिए। सिस्टर, इसके साथ जो आया उसे बुलाओ। सर डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। ब्लड बहुत बह चुका है, इसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, हमारे यहाँ स्टॉक खत्म हो गया है। आप अरेंज कीजिए, तब तक हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। हेलो, अंदर एक आदमी को ब्लड चाहिए। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला यहाँ पे कोई मौजूद है? हेलो, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने तो कहा उससे। अरे, अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ओ नेगेटिव। सर प्लीज, मैंने ब्लड आज तक कभी नहीं दिया है। देखो एक इंसान की बॉडी में ऑन एवरेज 5 लीटर ब्लड होता है। ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ऐसे 8 ग्रुप होते हैं। ओ नेगेटिव बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है, इस ग्रुप वाले को किसी और का ब्लड नहीं चलता, ओ नेगेटिव ही चाहिए। ओनली 300 ml ब्लड और बस 15 मिनट का तो काम। सुनिए तो, आप जैसे ब्लड देंगे विदिन 24 hours आपका हीमोग्लोबिन बॉडी में रीजनरेट हो जाएगा। देयर इज नथिंग टू वरी। और वैसे भी ब्लड देने से बॉडी और फिट होती है। सब मेरी बात सुनो। अगर आप ब्लड डोनेट करेंगी तो कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। इससे बढ़कर एक आदमी की अपने जान बचाई है जानकर आपको खुशी मिलेगी। अरे सिस्टर, इनका ओ नेगेटिव ग्रुप है। सिट डाउन, कोई एक ही यहाँ रहेगा, बाकी सब बाहर जाओ। हाँ तुम लोग जाओ, मैं बस के लिए लेट हो जाऊंगी। मैं 15 मिनट बाद ऑटो से चली जाऊंगी। ओके बाय। अरे इसकी हीरो गिरी की वजह से मुझे ब्लड देना पड़ रहा है, फूटी किस्मत। देखो सिर्फ 300 ml ब्लड है, इसके लिए तुम इतना घबरा रही थी। हाँ सिस्टर। सर घबराइए मत, फर्स्ट टाइम ब्लड दिया है ना, तो इसे चक्कर आ गए होंगे। 10 मिनट वेट कीजिए, जूस पिलाइए और बाद में इसे ले जाइए। यही है वो जिन्होंने आपके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। थैंक्स बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। आपके बेटे का फोन, कोई बात नहीं। ओह नो, मैं अब तक क्या हूँ? इतनी जल्दी रात कैसे हो गई? ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए कहकर इसने मेरी किडनी तो नहीं निकाली? क्या हुआ, किडनी निकाल ली, ऐसा डाउट हो रहा है क्या? यहाँ पर ये सब कॉमन है, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल सेफ हैं। 2 मौसमी जूस देना। One pomegranate। हाँ। दोनों जूस में आइस और शुगर मत डालना। नहीं नहीं नहीं, मुझे विद शुगर, ज्यादा आइस चाहिए। थैंक यू। हनुमान जी, ये जूस पीने के बाद तुरंत मेरा ब्लड फुल रिकवर हो जाए।
कॉल। थैंक यू। कहीं भूल गया क्या? साधु आवाज बदल के बात मत कर। सर आपके साथ तो बात करने में भी रिस्क है भाई सर, भाई। भलाई करने में भी तुम सबको डर लगता है। कितना हुआ भाई? 120 सर। 120 रुपीज इसे दीजिए। मैं दूं? ब्लड तो ले ही लिया, अब मुझे कंगाल भी करेगा। अरे मेरा वॉलेट खो गया है, अभी आप दे दीजिए, मैं आपको बाद में दे दूंगा। ओहो, इसे मैंने 5 साल से संभाल के रखा था। सर कहाँ जाना है आपको? कहाँ जाना? विजयनगर। विजयनगर चलो। सर आप लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं? नहीं। आपके शर्ट में ब्लड लगा इसलिए पूछा। कानून की रक्षा करने वाले स्टूडेंट अगर इस तरह से झगड़ा करेंगे तो हमारा देश कैसे सुधरेगा? आ गया। रुक दीजिए। ठीक है। कितना हुआ? 200 रुपये। यहाँ से कोरोमंडल के लिए कितना होगा? 300 से 320 रुपये होंगे। इन्हें 520 रुपये दीजिए। हाँ? लेकिन मैं क्या दूँ? जिसके पास है वही देगा ना। दीजिए। याद रखना पाई पाई का, मैं तुमसे हिसाब लूंगी। सारा हिसाब रख लीजिए, मैं दे दूंगा। ए जी, जल्दी आइए। अभी आया। कौन हो तुम? आप कौन है? मैं इसकी माँ हूँ। मैं इसका कोई नहीं लगता, चलो भाई। इतनी देर क्यों हो गई? माँ वो कॉलेज, अरे वो फोन नंबर दिए बिना ही जा रहा है। ए, उसके फोन नंबर का क्या करोगी? ओफो माँ, उससे मुझसे 640 रुपए उधार लिए हैं, वो वापस भी तो लेने हैं ना। और बिना किसी जान पहचान के तुमने उसे पैसे भी दे दिए? माँ उसे जानती हूँ मैं। जानती हो? ए, वो पीछे मुड़ के क्यों देख रहा है तुम्हें? माँ आप पहले अंदर चलो। ये कैसे पुलिस वाले हैं? शहर में लोग मारे जा रहे हैं और पुलिस वाले खामोश रहकर तमाशा देख रहे हैं। स्टूडेंट के बीच जो झगड़ा हुआ उसकी वजह ये लॉ मिनिस्टर है। उसे कपड़े की तरह धोकर निचोड़कर सुखा देना चाहिए, तभी वो सुधरेगा। अगर तुम्हारे पुलिस ऑफिसर पिता जिंदा होते तो ऐसा होता क्या? साधु नहीं आया क्या? आज वो छुट्टी पर है सर। जो झूठ बोलता है साईं बाबा उसे पनिशमेंट देते हैं, अच्छे से सबक सिखाते हैं, इस बात की गारंटी है, इसलिए सच बोलो। पिंजरे के बाघ को लोग जैसे देखते हैं वैसे ही पब्लिक लॉ कॉलेज के झगड़े को देखकर लोग चुपचाप खड़े थे, मगर आपने आगे बढ़कर एक स्टूडेंट को बचाया ना, वो सोए हुए बाघ को उठाकर उसे गुदगुदी करने से कम नहीं है। ये रिस्क लेने की जरूरत क्या थी इंजीनियर? साधु इंसान पैदा होता है तो 4 लोगों के काम आना चाहिए, सेल्फिश बनकर नहीं रहना चाहिए। मैं 4 लोगों के लिए नहीं, 5-5 लोगों के लिए यूजफुल हूँ इंजीनियर साहब, यानी कि मेरे फैमिली वाले। टुडे आई एम ऑन लीव, यानी आज मेरी छुट्टी है, मेरी छुट्टी है, छुट्टी है, छुट्टी है। क्यों इंजीनियर साहब? मैंने सुना कल आपने बहुत झंडे गाड़े। लॉ कॉलेज में जो प्रॉब्लम हुई थी ना उसमें से एक स्टूडेंट की मैंने हेल्प की। सर अभी के लोग फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर में पेज बनाते हैं ताकि उन्हें लाइक मिल सके, और थोड़े लोग मौन व्रत काला कपड़ा पहनकर मोमबत्ती जलाकर आंदोलन करते हैं, और कुछ लोग अनशन पर बैठकर इंसाफ की गुहार लगाते हैं, लेकिन कुछ भी कर लो यहाँ मिलता कुछ नहीं है। हादसे के चक्कर में कंस्ट्रक्शन साइट पे गलत शूज पहनकर आ गया सर। ए, अपना काम कर। सर ये उस लॉ मिनिस्टर ने किया है सबको पता है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं है कि जाकर उसको पकड़े। कुछ दिनों तक सोशल मीडिया में बवाल रहेगा, फिर सब शांत। काम पे ध्यान दो सर। दूर हटो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। मेरे बेटे की मौत का हिसाब जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से नहीं हटूंगी। अरे हटो, देखिए माता जी आपने ट्रैफिक जाम कर दिया, बिना परमिशन इस तरह से ट्रैफिक जाम करना कानूनन जुर्म है। परमिशन लेकर ही मेरे बेटों को मारा है क्या? कल जब इतना बड़ा फसाद हुआ तब तुम कहाँ थे? तुम्हारी गवर्नमेंट कहाँ थी? देखिए माँ जी आप जो कर रही हैं उसका तरीका सही नहीं है। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, बच्ची स्कूल के लिए लेट हो रही है, थोड़ा समझिए और रास्ते से हट जाइए मैडम। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं यही खड़ी रहूंगी।
एक ड्राइवर को तकलीफ होती है तो सारे ड्राइवर्स एक हो जाते हैं, एक पॉलिटिशियंस को कुछ हुआ तो सारे पार्टी के मेंबर्स एक हो जाते हैं, वही अगर एक सिटीजन को कुछ हुआ तो सारे सिटीजन्स एक क्यों नहीं हो जाते? देखो मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ, 22 सालों से बच्चों को सिखा रही हूँ, दो बार मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला है, पहने हुए कपड़ों का, यूज किए हुए साबुन का, हर चीज का मैं टैक्स भरती हूँ, आखिर किस लिए? ताकि गवर्नमेंट मेरी रक्षा करे, हमारे ही टैक्स से जमा किया हुआ पैसा, सीएम, एमपी, एमएलए, कलेक्टर, पुलिस, इनकी पेमेंट हमारे पैसों से होती है। जब मैंने शादी की तब गवर्नमेंट ने कहा था पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, घर में सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करो, मैंने सरकार की इज्जत रखने के लिए सिर्फ एक ही बच्चा पैदा किया, उस एक बच्चे को भी सरकार नहीं बचा पाई, मार मार कर उसकी जान ले ली। इसके पीछे किसका हाथ है आप लोग नहीं जानते क्या? मीडिया वाले नहीं जानते क्या? पुलिस वाले भी नहीं जानते क्या? तो फिर यहाँ कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? बताओ, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? जब आप लोगों को कुछ होता है तो आप लोगों को गुस्सा आता है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरे बेटे को मारने वाले को आप लोग कुछ नहीं करेंगे, गवर्नमेंट भी उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगी, मगर एक दिन सच्चाई से लड़ने वाला आएगा, जरूर आएगा और इंसाफ करेगा। तब तुम लोग इसी तरह यहाँ इकट्ठा होकर तमाशा देखते रहना, ले चलो इसे अंदर। अरे जाओ भाई, चलो उस हादसे पर नई खबर क्या है? सभी खामोश है सर, इस हादसे के जिम्मेदार आप हैं ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन कोई आपके खिलाफ गवाही नहीं दे रहा है। लॉयर तुम क्या कह रहे हो? सर वो तीन स्टूडेंट्स नहीं मरे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनमें से एक की माँ टीचर निकली और वही प्रॉब्लम कर रही है। अच्छा, वो कैसे? सर उसके पास जो जो पढ़ा है वो आज ऊँचे ऊँचे पोजिशन में है, उन सबको इकट्ठा करके वो इस बात का बड़ा इशू बनाना चाहती है, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा सर। तो इसका सोल्यूशन क्या है देखो ना। सोचना पड़ेगा सर। राजेश्वरी, ओमकार कहीं बाहर जाने वाला है, कैश दे दो। थैंक यू भैया। उस टीचर को जल्दी रास्ते से हटा दो वरना पार्टी वाले फिर से बखेड़ा करेंगे। पूरे 4 दिन हो गए तुझे पेरोल से बाहर आए हुए और कल 5वां दिन है। अगर कल 5 बजे तक तू सरेंडर नहीं हुआ तो तेरी जमानत पर बेल करवाने वाले तेरे भाई की मिनिस्टर की कुर्सी भी चली जाएगी। लॉ कॉलेज के झगड़े की वजह से 3 मासूम स्टूडेंट्स की जान गई, उसकी वजह तेरा भाई ही है। तेरे भाई को पॉलिटिक्स में लाने में सबसे बड़ा हाथ तेरा है, उसके लिए तूने मर्डर, रेप, तरह तरह के फ्रॉड वाले काम किए और कर भी रहा है, इसलिए आज मैं तुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूं। जब तक तेरा भाई अरेस्ट नहीं होता मैं तुझे रिहा नहीं करूंगा। पब्लिक को जब समस्या होती है तो पब्लिक खुद ही उसे सुलझा सकती है, यह मैं तुझे समझाना चाहता हूं। Oh!
इस दरवाजे को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार मैं बाहर आ गया तो मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। कौन हूँ? ये वॉचमैन का काम छोड़कर साधु संत बन जाए ना तो ज्यादा कमाएंगे। हरिओम। हमको दो बार लूज मोशन का हुआ, लगता है जैसे बैलून में से हवा निकल गया है। कौन है भाई वहाँ? ऐसे काहे चिल्ला रहे हो? साधु संत बनने की बात का किए शैतान पहले ही हाजिर हो गए। रुक, तेरा झाड़फूक हम कल करेंगे, आज हमको लूज मोशन है ना। सॉरी मॉम। मुस्कान को न यूं खोने दे, सरकार को न हम आराम से सोने दे, किसी के ऊपर भी न जुल्म होने दे। छोटे मोटे खर्चों को भाई मैंने छोड़ा है, और स्पीड में जाने वाले होते में छोड़ा है, अन्याय करने वाला एवं सब कुछ खोला है, सब कुछ खोने की बात। पार्टी सॉन्ग हैप्पी। क्या बात है सर? बात जो भी है मैं तुझे बताता हूँ, लेकिन तू किसी को नहीं बताएगा, ऐसे पहले साईं बाबा की कसम खा। बाबा का प्रॉमिस बोलिए सर। क्या कहा? आप लीडर बनना चाहते हैं? नहीं, बस अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। तेरा फोन देना, मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है। ये लीजिए। थैंक्स। हेलो, टीवी 9 चैनल, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। हमारे लॉ मिनिस्टर ने अपने भाई को पे रोल पे जेल से छुड़ा लिया है और अब उसे भगाने की फिराक में है। अरे सर, मेरा फोन दे दीजिए ना। एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, लॉ मिनिस्टर ने अपने भाई को भगाने में मदद की है। हाँ हाँ, 100% पक्की न्यूज है। सर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? सच बात सबको पता चलनी चाहिए, और वैसे भी तू किसी काम का नहीं है, तेरा फोन तो काम आ जाए। सर, आप सच में मुझे किसी काम के लायक नहीं छोड़ेंगे।
मोबाइल गुम हो गया है ऐसा कंप्लेंट लिखवाकर इस सिचुएशन से बच निकलता हूँ। सर मेरा मोबाइल खो गया है सर, आप उसे प्लीज जल्दी ढूंढ लीजिए। सब मोबाइल कंप्लेंट के लिए आए हैं, अर्जेंट कुछ नहीं होगा, जाओ यहाँ से। सर जरा समझिए, उस फोन में मेरे और मेरी बीवी के रोमांस करते हुए वीडियो है सर। रोमांस करते हो और उसे मोबाइल में शूट करके रखते हो? सर थोड़ा धीरे, ये तो हमने अपनी मेमोरी के लिए बना रखा था। तो मेरा दिमाग मत खाओ, अभी जाओ यहाँ से। मिल जाए तो बताना सर। तू भी बीच में आ गया, क्या लाइन में खड़ा रहा? सॉरी सर। हाँ मैडम जी, कौन सा मोबाइल था? इस लंगूर के पास ये हूर कैसे? बॉस आपके मोबाइल का मॉडल क्या है? मेरा मोबाइल पुलिस वाले ढूंढ लेंगे, तू अपना मोबाइल ढूंढ, आया मॉडल। ओके चलो। मुझे तो सच में डर लगने लगा है कि वीडियो लीक ना हो जाए। इस राज्य का लॉ मिनिस्टर हूँ मैं, कानून के विरुद्ध जाने वाले को खुद सजा देता हूँ मैं, फिर भी ऐसा लगता है कि आप लोगों के मन में कुछ सवाल है तो पूछिए। बेल पर छूटने के बाद आपके छोटे भाई चुपचाप कहीं फौरन तो नहीं भाग गए सर? आपके भाई की जगह किसी और को जेल भेजा गया है, क्या ये सच है? एक मिनट प्लीज। ए भाई देख इस कुत्ते के गले में मस्त मोबाइल है। आज तक तो मोबाइल इंसान इस्तेमाल करते थे, अब तो कुत्ते भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसीव नहीं कर रहा। आज शाम ठीक 5 बजे तक मेरा भाई वापस जेल में होगा। और कोई सवाल? ऐसा नहीं हुआ तो? मैं पहले ही कह चुका हूँ, कानून तोड़ने वाले को खुद सजा देता हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद रिजाइन करके पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर हो जाऊंगा, ठीक है ना? आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही रिपोर्ट करो क्या? करिए। भाई मुझे एक डाउट है, वो आपको बिना बताए शायद कहीं भाग गया होगा। देखो किसकी बॉडी है ये? उस लॉ कॉलेज के झगड़े में जो स्टूडेंट मरा था ना, उसकी माँ है ये, जिसके बारे में बताया था यही वो टीचर है। इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ये मेरे भाई ने सुना होगा और इसे खत्म करना चाहा होगा, लेकिन वो ये कर पाता उससे पहले भाई को किसी ने अगवा कर लिया है। किडनैपर का मकसद है मुझे तकलीफ पहुंचाना। कार समेत लाश को आग लगा दो और भाई को ढूंढो, नहीं मिला तो सबको जिंदा गाड़ दूंगा। इन लोगों की गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। उस दिन मेरा ब्लड लेकर तो ये हीरो बन गया, आज इन लोगों से मार खिला के इसे पेशेंट बनाती हूँ। आओ। लेकिन कहाँ? देखो मुझे किसी काम के लिए एक डेयरिंग लड़का चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर जा रही हूँ। यहाँ मंदिर में कितने लोगों ने उनको समझाया पर वो सुनते ही नहीं। हमेशा ऐसे होता है कि ताकतवर आदमी कमजोर आदमी पे भारी पड़ता है। इन बुरे लोगों को कोई सबक क्यों नहीं सिखाता? चलो मारो इन लोगों को। जो इंसान प्रॉब्लम में है उसकी हेल्प करोगे तो वो खुश होंगे। तुम्हारे पास पावर है, मारो। मारेगा क्या? मार, अरे मार। लोगों ने क्या गलती की है ये जाने बिना कैसे मारूं? अपुन ने क्या किया ये जानने के बाद अपन को मारेगा क्या? अपुन ने तो बस इसकी बीवी की तारीफ की और उसने तो अपन का कॉलर ही Hey! Hey! Hey!
भाई भाई माफ कर दो, अरे भाई अरे गलती हो गई भाई, माफ कर दो भाई, अरे भाई भाई अगली बार ऐसा किया तो तुम लोगों को जान से मार दूंगा। पैसे दो। अब पर्स ही नहीं है। तेरा पर्स तो मेरे पास है। लाओ। पागल है, दिमाग नहीं है। ये लो ट्रीटमेंट के पैसे। ये भी मेरे अकाउंट में लिख लो, बाद में देता हूँ। चल भाई। ये कौन है? हेलो, मैं हूँ रे मिस्त्री। सर नमस्ते सर, कैसे हैं आप सर? मैंने पुराना सिम फेंक कर नया सिम डाल लिया है। आगे का मेरा 7 नंबर याद है, बाकी का नंबर इरेज हो गया है। आपको मेरा नंबर कैसे याद है सर? इसलिए मैं इंजीनियर बन गया और तुम मिस्त्री रह गया। हाँ, बात क्या है बताइए। कुछ खास नहीं, अर्जेंटली एक ऑरेंज जूस चिल्ड विद शुगर मैं जहाँ बताता हूँ वहाँ ले गया। सर बिल्डिंग बनाने के लिए कितना सीमेंट चाहिए, काम करने के लिए कितने मजदूर चाहिए, एक बिल्डिंग का काम कब शुरू होगा और कितने दिनों में खत्म होगा, ये सब पूछ के मुझसे ये मत कहिए कि जूस और पानी ले। मैं आपको अपने बड़े भाई के जैसा मानता हूँ। याद है हम उस दिन 5-स्टार होटल में डिस्कोथेक में गए थे, आपने चप्पल पहनी थी, आपको अंदर जाने नहीं दिया, तो मैंने अपने शूज निकाल कर आपको दिए, तब जाके आपको एंट्री मिली, और उसके बाद मैं आपका बाहर वेट करता रहा, भूल गए क्या? थैंक यू वेरी मच। ओके एंजॉय, ऑल द बेस्ट, बाय। My boss. जब आपका स्कूटर खराब हुआ था तो आपका डब्बा स्कूटर लेकर मैं पीछे आ रहा था और मेरी स्पोर्ट्स बाइक पे लड़की को बिठा कर आप आगे जा रहे थे। जूस सादा चाहिए या स्पेशल चाहिए, शुगर चाहिए या शुगरलेस, उतना ही बता दीजिए। एक चिल्ड ऑरेंज जूस। ये जूस आपको क्यों चाहिए? उस ओमकार को रूम में बंद करके रखा है, उसे भूख लगी होगी ना? सर बार बार मुझे ही डेंजर में क्यों डाल देते हो सर? ने साई बाबा को प्रॉमिस किया है, अब आगे तुम। ओके सर, ठीक है सर। हे शैतान, आज तू हमसे नहीं बचेगा रे। मेरे जिंदा रहते हुए मेरे भाई का कुछ नहीं कर सकता। यहाँ से निकलते ही सीधे मैं पुलिस के पास जाऊंगा और वहां से जैसे ही बाहर निकलूंगा नहीं छोड़ूंगा। ये लीजिए सर, जो बोला था वो ले आया। तुम भी क्यों नहीं चलते मेरे साथ? सर मैं नहीं आता, आप ही लेके जाइए। अरे कुछ नहीं होगा, चलो चलो। नहीं सर, सर मैं नहीं आता सर, आप जाइए, मैं नहीं चलो ना। सर मैं आपके साथ जब भी जाता हूँ प्रॉब्लम में गिर जाता हूँ सर। अरे एक तो आपने उसे किडनैप कर रखा है, ऊपर से उसे जूस वूस पिला रहे सर। अरे रे सर, आप विलन है या हीरो है समझना मुश्किल है। ये रहा जूस, ये रहा मोबाइल, मुझे छुपना होगा। हाँ?
करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मारने का मुझे कोई शौक नहीं है, पर मैं मजबूर हो जाता हूँ। सर, आपके भाई के मोबाइल को ट्रेस करने का सारा इंतजाम कर चुका हूँ और वो बेंगलुरु छोड़कर कहीं नहीं गया है। सर, सर आपका दिया हुआ फोन नंबर जीपीएस पे ट्रेस हो रहा है। सर, उसे ट्रेस करते रहो। ओके सर। सर, दिख रहा है कि कोई इस फोन को मणिवल से सिलपारम लेके जा रहा है। सर, सर वो कोरमंडल की तरफ जा रहा है। सर, हेलो। सर, आप सही रास्ते पे हैं। सर, अच्छा, बहुत नजदीक है। सर, नजदीक है, बढ़ते रहिए। सर, अच्छा, सर बढ़ते रहिए। ठीक है सर, 5:10 हो गए, आपका भाई अब तक नहीं आया। सर, जेलर थोड़ा सा मैनेज करो तुम। सर, पूरी प्रेस आपका ही वेट कर रही है। सर, आपका भाई आ रहा है या नहीं? सर, कोई और रास्ता है तुम्हारे पास? कुछ नहीं कर सकता, आपका भाई नहीं आया तो रिपोर्ट करना ही होगा। सर, शट अप। सर, वो आपके बिल्कुल करीब है। सर, मोबाइल ले आओ। लगता है उसने कोई सीरियस प्लान किया है। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, खत्म। सुनो, कोई भी मिनिस्टर जब गलती करता है तो उसे वो कैसे छुपाता है ये तुम्हें सीखना चाहिए। प्रेस के सामने मैं सरेंडर करवाऊंगा, मैं रिजाइन करूंगा, ऐसा कोई कहता है क्या? हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि सबसे पहले तुम अपने भाई को ढूंढोगे, उसके बाद मैं सब ठीक कर दूंगा। लॉ मिनिस्टर ने अपने पद से आज ही इस्तीफा दे दिया है और हमने पार्टी के अन्य सदस्यों से विचार विमर्श करके उन्हें पार्टी से निकाल दिया। सर, मिनिस्टर को अरेस्ट करने की बात हो रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अरेस्ट करने के लिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर भेज दिया है। सर, ये दोनों भाई बहुत खतरनाक गुंडे हैं, इनके पीछे पड़ना मौत को दावत देना है। सर, मुझे इस केस में इन्वॉल्व मत कीजिए। सर, बदले में क्या करेंगे? ट्रांसफर ही करेंगे ना, तो कर दीजिए, एटलीस्ट मेरी जान तो बच जाएगी। अब चाहे तो ये केस ये हैंडल कर लेंगे, वो हैंडल कर लेंगे। सर, इस केस को मैं हैंडल करना चाहूंगा। रघुनाथ जी, 10 दिनों में आप रिटायर्ड होने वाले हैं, आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? सर, सब इंस्पेक्टर बनकर 28 सालों तक कुछ भी नहीं कर पाया, इंस्पेक्टर बनकर भी कुछ भी नहीं कर पाया, ACP बने हुए 3 महीने हो चुके हैं फिर भी कुछ नहीं किया, रिटायर्ड होने में 10 दिन बाकी हैं, अभी अगर कुछ कर लिया तो दिल को सुकून मिलेगा। सर, ये केस मुझे दे दीजिए। ओके, थैंक यू सर। वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो क्रिमिनल है और मैं पुलिस हूँ, उसे मेरा खौफ होना चाहिए, मुझे नहीं। सब कर भर के
कितने शान से बैठे हुए हैं। मिस्टर साधु आइए। सर आपने फोन में जैसा बताया था मैं कुछ और ही समझा था, लेकिन इनको देख के मैटर बहुत सीरियस लगता है सर। इस केस की डिटेल स्टडी करके बाकी डॉक्टरों से डिस्कस करने के बाद मैं इनका ट्रीटमेंट शुरू करूंगा सर। ओके डॉक्टर चलो। बैठे बैठे सर बैठे। मैं खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ सर। कान में मुंह में पेट में सब जगह चूहे दौड़ रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि जितने भी बुरे काम हैं, ना ये देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा खुश है। मैंने सही बोला ना मिस्टर? लिख के बताइए। मुझे भूख लगी है। भूख लगी है आपको? जरा ड्रिलिंग मशीन लेकर आइए। डरने की कोई जरूरत नहीं है। जरा पकड़िए इन्हें। आप टेंशन नहीं होगा। अरे नहीं नहीं ये क्या कर रहा है ड्रिलिंग मशीन से? मैं दीवार खड़ी हूँ जो काटे कामोगे। ये किस लिए? देखिए स्ट्रॉ जाने की जगह बना दी है, अब आप लिक्विड फूड आराम से ले सकते हैं। हेलो बोलिए रघुनाथ सर। अपने एरिया में सबको अलर्ट कर दीजिए। हाँ। वो हमारे हाथ से बच के जाने ना पाए। पर्सनल रीजन है इस वजह से इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन इस केस की सारी डिटेल्स मैं आपको मिलते ही दे दूंगा। थैंक यू। मैंने पूरे डिपार्टमेंट को गलत समझा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप इस केस में सक्सेस हो। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सर। पूरे शहर में पुलिस फैली हुई है और आप यहाँ पुलिस स्टेशन में छुपे हुए, ये बात तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। जो हो रहा है उसकी वजह क्या है? सर मुझे एक बात कहनी थी। उस झगड़े में पुलिस को धमकी देकर एक लड़का उस टीचर के लड़के को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था। वो थोड़ा सा पागल है सर, मुझे भी धमका कर ट्रीटमेंट करवाया। वो कहाँ रहता है तुम्हें पता है? नहीं पता सर, लेकिन एक बात है, उस दिन ब्लड की जरूरत पड़ी थी तो उसके साथ एक लड़की आई थी। उसका ब्लड ग्रुप रेयर होने की वजह से हॉस्पिटल वालों ने उसका नंबर रिकॉर्ड में रखा था। अगर ये लड़की मिल जाए तो शायद आप उस तक पहुँच सकते हैं। व्हाइट कलर की कार है ना सर? हाँ मैं आ रही हूँ सर। सर मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या? उसने जो उधारी ली है वो आप देंगे तो मैं बताऊंगी। ओके ना? ठीक है दे दूंगा। लॉ मिनिस्टर को पुलिस ढूंढ रही है, टीवी में पेपर में सब जगह ये न्यूज है, पर ये तो खुलेआम घूम रहा है। ये लॉ मिनिस्टर ही है ना? हाँ वही है। लगता है उसने इससे भी पैसे लेकर इसे धोखा दिया है। वो यहाँ भी नहीं है। रुक जाओ। रिवर्स लो। गाड़ी रोको। रुक लो यहाँ से। मैं जो मांग रही हूँ वो सब मुझे दे रहा है। लगता है अच्छा आदमी है। स्टॉप सर स्टॉप सर स्टॉप। गो बैक गो बैक। सर वो देखिए सर, दिखने में बिल्कुल इस हीरो का छोटा भाई लगता है। वही आंखें वही नाक यही है, लेकिन एज में डिफरेंस है, पर ऐसा ही है। माय गॉड एकदम डुप्लीकेट। अरे अरे अब भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि वो जल्दी से मिल जाए। चिकन खाया है इसलिए सॉरी। देखो शायद वहाँ है। नहीं, ये वो नहीं है। मेरा भाई शहर छोड़कर कहीं नहीं गया है, उसका किसी ने किडनैप किया है और हमारे साथ खेल रहा है। लॉ कॉलेज के झगड़े में जो तीन स्टूडेंट्स मरे थे उनके मौत की वजह मैं ही हूँ, शायद उसी का वो बदला ले रहा है। ऐसा करने पर वो जानता था कि मेरी कुर्सी जा सकती है। ये सब उसकी सोची समझी चाल है। वो अकेला हो सकता है या ये काम ग्रुप का भी हो सकता है। अब तुम बोलो क्या करना है। भाई पुलिस की नाकाबंदी है। उस गाड़ी को ठीक से चेक करो। चलो चलो आगे बढ़ो। तुम यहीं उतर जाओ, अगर वो लड़का कहीं दिखे तो मुझे डायरेक्टली फोन करो। ठीक है चल चल आगे बढ़ आगे बढ़ चल जल्दी आगे आओ। उतारो लाइसेंस। कहाँ जा रहे हैं? सिग्नल पे उतर जाऊंगा। चलो ठीक है सर। शिवाजी नगर लेकर चलो। जगह दो। ए, क्या कर रहे हो? सिग्नल तो छोड़ दो।
सब इसने ही किया है क्या? इसका मतलब वो बुरा आदमी होगा। किसी भी हाल में इसके बारे में उसे नहीं बताना चाहिए। हाँ सर, ठीक है सर, ओवर एंड आउट। सर, हर तरफ कड़क नाकाबंदी चल रही है, यहाँ मैं संभालता हूँ, आप जल्दी निकलिए। ए, आगे बढ़ो। ए, उस गाड़ी को ठीक से चेक किया कि नहीं? हाँ, चेक किया सर। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है, आगे बैठने दो। चलो दिखाओ क्या है। सर, वो मिनिस्टर व्हाइट फॉर्च्यूनर 1919 से जा रहा है सर। फिर जाने क्यों दिया इसको? सर, नेक्स्ट सिग्नल में हमारे लोग हैं सर। गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, जल्दी चलो। सर, उनके रिकमेंडेशन से ही मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन दूसरी तरफ इस वर्दी पर दाग लग जाए, ये भी मुझे मंजूर नहीं, इसलिए आपको इन्फॉर्म किया। चार्ली, नेक्स्ट सिग्नल को ब्लॉक करो, किसी भी व्हीकल को मत छोड़ना। ओवर, ओवर। चुपचाप साथ में आया तो ठीक है, नहीं तो घसीटता हुआ ले जाऊंगा। गेट डाउन। मेरा एक कॉफी से क्या होगा सर? सर, टेल हिम वन मोर कॉफी सर। वन कॉफी प्लीज। हेलो हेलो मैडम, हाउ आर यू? आपका वीडियो देखा मैडम, क्या सुपर परफॉर्मेंस मैडम। और तू अनाड़ी डांसर, तुझे परफॉर्मेंस तक देना नहीं आता। क्या नाचिए मैडम, सीख इनसे कुछ। हाँ, क्या कैसे किया था मैडम आपने, फैन हो गया मैं। ये पल्लू लिया और गिराया और उसके बाद ढक्का चक्का, ढक्का चक्का, ढक्का चक्का। ओए होए होए, चल आए हाय। ओ हा, छोट। इसकी हरकत उसे लगता है कि हमारा वीडियो लीक हो गया। समझ नहीं आ रहा है, सिचुएशन से बाहर कैसे निकले। चलो यहां से चलिए। फेमस हो गए। तुम अपने आप को बड़ा हीरो समझते हो क्या? हाँ, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, तुम्हारे प्लान्स क्या हैं, तुम क्या करते हो, ये सब मुझे पता है। चलो जल्दी अपना नंबर दो। तुम इस तरह का मुझे लुक दोगे तो मैं फ्लैट होकर अपने पैसे भूल जाऊंगी क्या? हाँ, चलो जल्दी अपना नंबर दो। 9845091623। अरे क्या है ये? ए मेरा पेट नेम पप्पी है, सेव कर लो। तुम्हारा नाम मैं पावर सेव कर लूं तो चलेगा? ए, इट्स माय फोन। दैट्स ओके। इधर जो नंबर था उसे डिलीट कर दिया, पर यहाँ जो नंबर सेव्ड है उसका क्या करोगे? अगर वो मुझसे प्यार करता है तो वो पलट के जरूर देखेगा। अरे वाह। Let's party, 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 let's
जहां जाने क्यों हुआ, प्यार का ये खेल होता है एक जुआ, पूरी हुई मेरी हर दुआ। साधु, मुझे एक ऑटो चाहिए, मिनिस्टर के भाई को वापस लौटाना है। अरे ये काम भी मैं ही करूं क्या? क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम जो कर रहे हो ना, मुझे हर बात की खबर है, समझे? यहाँ छुपा कर रखा है? हाँ देखो, ये कोई छोटी बात नहीं है, लोगों को पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ तो पता चलना चाहिए। ए, छोड़ो, ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। कहाँ है वो लड़की, कहाँ छुपा कर रखा है, बोलो। हाँ इस लड़की को, तुम्हें उससे बात करते हुए देखा था तभी डाउट हुआ था मुझे, कहाँ छुपा कर रखा है उसे? हाँ उस लड़की ने मुझसे एड्रेस पूछा तो बता रहा था। तो तुम इधर क्यों आए? ये हमारे ही कंपनी की बिल्डिंग है, एक साल से लिटिगेशन में है, काम चल रहा है, इसलिए बिल्डिंग की क्या कंडीशन है बस ये देखने आया था। ओ, तुम्हारी बाइक तो बाहर देखी पर उस आइटम की, सॉरी, लेडी स्कूटी बाहर नहीं देखी, इसलिए मैं पूछने चली आई। आई एम सॉरी यार। सॉरी। गो। और एक बार सॉरी। जस्ट गो। और एक बार सॉरी, 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 बाय। Thank you.
सुनो मेरी बात सुनो, इसे लगाओ। सर 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 आप अंदर जाइए, अंदर जाइए सर। सर मेरी बात सुनिए। भाई मेरा भाई कहाँ है? भाई वो जेल में है भाई। जेल में? तुम लोग इतने सारे हो, फिर वो जेल में कैसे पहुंच गए? तुम लोग कर क्या रहे थे? वो कौन है उसका पता चला क्या? नहीं भाई। तुम लोग कर क्या रहे हो? रुक जाइए सर, शांत हो जाइए सर। शांत होने से टेंशन खत्म हो जाएगा? अपने काम से मतलब रखो। आपको पुलिस कस्टडी में रखा गया है भाई, आपका इस समय हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस कस्टडी में? ओंकार, ओंकार भाई तुम इस तरह बिहेव करोगे तो तुम्हारा भाई छूटेगा नहीं, थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। हाँ, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे अगर प्रेस वाले को बताया जाएगा तभी तुम्हारे भाई को बाहर निकाला जा सकता है। अगर अपनी बातें तुम दूसरों को बताने में अपनी बेइज्जती समझोगे तो तुम्हारा भाई हमेशा के लिए अंदर ही रहेगा। ठीक है, जो करना है करो। सारे प्रेस वालों को बुलाकर आप इस तरह से खामोश रहेंगे तो कैसे चलेगा? मैं भागकर कहीं छुपकर नहीं बैठा था, झूठा केस बना के मेरे भाई को अरेस्ट किया गया है। मैं अंडरग्राउंड नहीं हुआ था। नहीं हुआ था मतलब? 5 तारीख को जमानत खत्म हुई, उसके बाद आपको सरेंडर करना चाहिए था, क्यों नहीं किया? प्लीज सर प्लीज मैनेज कीजिए सर। 4 तारीख की रात को एक अजनबी ने मेरा किडनैप किया और एक रूम में बंद करके रखा था। अपने भाई को बचाने के लिए आप हमसे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? हमें याद है आप जब 19 साल के थे तब आपने 25 साल के लोगों को मारा था। आपके भाई के खिलाफ जब अपोजिशन वालों ने नारेबाजी की थी तब आपने अकेले उनको सबक सिखाया था, मगर एक आदमी ने आपको किडनैप कर लिया, इस बात पर हमें यकीन नहीं हो रहा। वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसका सामना नहीं कर पाया। वो दिखने में कैसा था? उसने मुंह पर मास्क पहन रखा था इसलिए देख नहीं पाया। और अगर वो मिल गया तो? नहीं छोड़ूंगा उसे। एक्स लॉ मिनिस्टर सदाशिव ने अपने पावर का मिसयूज करते हुए अपने भाई को जमानत पर छुड़ाकर उसे भगाने में मदद की। उसने ये भी गलत दलील दी कि उसके भाई की किडनैपिंग हुई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक्स मिनिस्टर की जमानत को नामंजूर किया जाता है। इसके अलावा लॉ कॉलेज में जो झगड़ा हुआ था उसकी वजह भी सदाशिव ही था। इसकी इंक्वायरी के लिए इन्हें 10 दिनों तक पुलिस कस्टडी में रखने के लिए ये न्यायालय आदेश सुनाती है। सर इतना अच्छा डिसिप्लिन होते हुए भी आपके कॉलेज में झगड़ा क्यों हुआ? सिंपल, उन स्टूडेंट्स के हाथापाई में सदाशिव के भी कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थे इसीलिए ये घटना घटी। इसके लिए कॉलेज मैनेजमेंट ने कोई एक्शन लिया है क्या? डेफिनेटली, झगड़ा करने वाले 40 स्टूडेंट्स को मैंने डिसमिस किया। उनका कहना है कि सदाशिव के भाई का किडनैप हुआ है, आपका क्या कहना है इस बारे में? किडनैप करने वाला हीरो है, आपको जो बताई है वो मंत्री इतना बड़ा आदमी था फिर भी उसे सजा दिलवाई, इसीलिए वो हमारा हीरो है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जो न्यूज़ देख के सीटी बजाती है। कौन है, कहां रहता है, कैसा दिखता है, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए तो वो हीरो है। मुझे पता था मेरे नंबर से फोन किया इसलिए कट किया। माँ एक कॉल कर रही हूँ। हाँ रोहित फोन पे फोन आ रहे हैं, क्या करूं? तो रिसीव करो माँ। हेलो मैं अंजलि बोल रही हूँ। अंजलि? हाँ मैं अंजलि बोल रही हूँ। कोई लड़की है अंजलि नाम बता रही है। रॉन्ग नंबर है माँ। रॉन्ग नंबर है बेटी। रॉन्ग नंबर? आप अपना एड्रेस दीजिए,
वहाँ आकर मैं प्रूव करती हूँ कि रॉन्ग नंबर है या राइट नंबर। क्या बात है माँ? तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिल गया? पता चल गया ना आंटी, ये रॉन्ग नंबर नहीं राइट नंबर है। तुम पहले यहाँ से बाहर निकलो, चलो। अरे जिस ऑटो से मैं आई थी वो तो चला गया, अब तुम मुझे अपनी बाइक से बस स्टैंड तक ड्रॉप करो। आंटी मैं आपके घर पहली बार आई हूँ, एक कप कॉफी मिलेगी क्या प्लीज? चलो। अब इस शर्ट में देखो, आज सैटरडे है, तुमने व्हाइट शर्ट नहीं पहनी तो मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाऊंगी। जाओ पहले व्हाइट शर्ट पहन के आओ, जाओ। जाओ ना। अरे 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 अरे, तुम अचानक से मेरे पैर क्यों छू रही हो? पहली बार किसी के घर में कॉफी पीने से पहले उनसे आशीर्वाद ले लेना चाहिए, ऐसा मेरी मम्मी ने कहा था। बैठिए ना आंटी। रोहित मैचिंग नहीं था इसलिए व्हाइट शर्ट पहनने के लिए अंदर गया है। हाँ यहाँ आखिर हो क्या रहा है? अरे मेरी कॉफी। चलो आंटी। बैठ जाओ। रुको 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 आंटी, एक सेल्फी हो जाए। हाँ रेडी। ये वाली अच्छी नहीं आई, एक और। बाय आंटी। बाय बाय। बाय बाय। कौन है ये? पापा। और आप? वैसे ही हम दोनों। उस दिन यही था ना? जी हाँ। चलो चलो पैर पड़ो, पैर पड़ो, चाबी नहीं मिलेगी। चाबी? चलो ना। क्या कर रही है? आशीर्वाद दो मम्मी। अरे अरे मान जा तू एक बार, प्यार किया है मैंने तुझसे, इकरार कर दो मुझसे, किसी और समझते क्या हो? हाँ क्या हुआ? किसी दूसरी लड़की के साथ तुम मेरे सपनों में क्यों आते हो? ऐसा करना तुम्हें सूट नहीं करता। ओके ओके बाय बाय पा। जल्दी आओ घर पे, रीजन वीजन कुछ मत पूछो, बस जल्दी आओ। प्लीज प्लीज जल्दी आओ। आउच, प्लीज प्लीज जल्दी आओ। तू सिर्फ नहीं है इश्क, तू मेरा जुनून है, तू जो है मेरे करीब, दिल को सुकून है। हाय यस ऐसी हो गई वो जान। वो मैंने कॉफी बनानी सीखी है ना, तो मैं आपको टेस्ट करवाना चाहती थी कि कैसी बनी है, बस प्लीज अंदर आइए ना। क्या मुसीबत है। मैं सपने में भी वन हैप्पी मील, इफ यू डोंट माइंड कैन आई यूज योर फोन? या श्योर। हेलो तो पता है बाद में क्या हुआ? ओके ओके थैंक यू।
हेलो 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 हाँ एक मिनट सॉरी मेरी गर्लफ्रेंड से तुम्हारा क्या रिलेशन नहीं कुछ नहीं है एक घंटा तुमने इसका फोन एंगेज रखा है मैंने तो मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे थे तो मैंने उसका लूजर हो गया सॉरी ब्रो थोड़ी गलती हो गई मेरी गर्लफ्रेंड को एक घंटा तुमने एंगेज रखा ना अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं एक घंटा एंगेज रखा ओके अरे वाह अरे चलो छोड़ो पागल हो I'm so sorry, लेकिन क्यों? मैंने गलती की है इसलिए सॉरी लेकिन क्यों? उस दिन आपने इनसे एड्रेस पूछा था कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास हाँ मुझे याद नहीं आ रहा उस दिन मैंने गलती से आपको आइटम बोल दिया था इसलिए सॉरी आइटम और मैं हाँ ए पागल है क्या हाँ दिमाग खराब है क्या किसी भी आइटम बोल दिया पागल है जाओ अपने दिमाग का इलाज करो ए ए मारो अरे मैं जेल जाऊं इसलिए फिजिकली फिट हूं ऐसा सर्टिफिकेट बनाया तूने जब तक मैं उसे मौत के घाट न उतार दूं इसी हॉस्पिटल में रहूंगा यहीं इसके लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए तैयार कर उसने मुझे मारा उसे मारूंगा जिस बिल्डिंग में रखा था उसका पता चल जाए तो उसका भी पता चल जाएगा उस बिल्डिंग में एक भूसे से भरा हुआ पुतला है शहर में जितनी भी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग और जिस पर भूसे से भरा हुआ पुतला लगा उन सब की फोटो मुझे चाहिए और उन्हीं अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में से कोई डेड बॉडी मिली है क्या इसका पता लगा के मुझे बताओ हाँ वहां मैंने एक को मारा है मीडिया को मेरे बारे में जिस नंबर से फोन आया था उसने मेरे बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी थी इसका पता लगाओ बड़े भाई ने पता लगाया था कि उसके साथ एक लड़की भी थी उस लड़की से और डिटेल निकालो थैंक्स जिसने तुमसे ब्लड डोनेट करवाया वो दोबारा तुमसे मिला था क्या ओहो कल ही तो मैंने उसको देखा था अच्छा मिनिस्टर सर जेल में है ना तो मैं किसको बताऊं यही मुझे नहीं पता था तुम्हारा नंबर दे दो वो अगर मुझे कहीं नजर आया तो मैं इमीडिएटली फोन कर लूंगी हाँ हेलो सर प्रेस को आपके बारे में जिसने इन्फॉर्मेशन दिया था उसका पता चल गया है उसका नंबर भी मिल गया है यस डॉक्टर मिरर दीजिए ना मिरर देना मास्क लगने के बाद ज्यादा पियर हो गया हूँ कितना स्मार्ट लग रहा हूँ मैं हाँ बहुत स्मार्ट हो गए हैं आप तुम्हारे बोलने से क्या होगा डॉक्टर मैं सुंदर लग रहा हूँ ना मैडम मुझसे भी ज्यादा आपने कह दिया बहुत है अब मैं 10 साल हैप्पी होके जीऊंगा जिंदगी एक सफर है सुहाना हेलो मैं कौन हूँ अरे फोन तुमने किया है अगर मैं कहूँ कि सीएम बोल रहा हूँ अगर मैं कहूँ कि पीएम बोल रहा हूँ अगर मैं कहूँ कि बेवकूफ बोल रहा हूँ अगर मैं कहूँ कि गधा उल्लू पाजी बोल रहा हूँ तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन बोल रहा हूँ मैं अननोन बोल रहा हूँ अननोन 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 क्या कर लेगा तू क्या कहा मैं कहा हूँ एक मिनट रुक अभी मैं गाड़ी पार्क करके करेक्ट डिटेल देता हूँ कि मैं कहा देखो इस वक्त मैं पापी रेड्डी पल्ली रूम नंबर 304 नागर भावी सेकंड स्टेज बैंगलोर शहर में हूँ ठीक है ना और भी डिटेल्स चाहिए तो लिख लो ME-A-6617 व्हाइट एंड ग्रीन रंग का प्रिया स्कूटर पे हूँ लिख लो क्या कहा शर्ट ब्लू कलर की शर्ट है पैंट है और उसके अंदर जो पहना है उसका ब्रांड नहीं बताऊंगा इतना डिटेल्स काफी है या और भी कुछ बताओ नहीं थैंक यू ओके अरे बाप रे ये राक्षस यहाँ कहाँ से आ गया सर ये मोबाइल लोन है तेरे नंबर से प्रेस को किसने फोन किया था सर किसी ने किया होगा मेरा मोबाइल चोरी हो गया था मैंने पुलिस में कंप्लेंट दिखाया आप वहाँ पता कीजिए पता है तूने क्या गलती की है तूने मोबाइल नहीं फेंका है सिर्फ सिम को फेंका है मोबाइल में IMEI नंबर होता है जानते हो तुम नहीं जानते हो मैं तुझे देखकर ही बोल सकता हूँ तूने प्रेस को फोन नहीं किया होगा मुझे नहीं पता सर किसने किया तुझे नहीं मालूम बिल्कुल भी नहीं इस कॉमेडियन को उठाओ हॉस्पिटल लेके चलो ठीक है भाई डॉक्टर
जैसे ही होश में आता है मुझे इन्फॉर्म करो। ओके, इसे जल्दी से आईसीयू में ले चलो। अरे बाप रे, थोड़े से मैं बच गया। अगर फिर से दिखा तो ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। अगर इन्हें सच बताया तो बाबा श्राप देंगे, अगर नहीं बताया तो ये लोग मारेंगे। थोड़े दिन के लिए कोमा में चला जाता हूँ। ओह, ये यहाँ कहाँ से आ गया? क्या हुआ इसे? एक्सीडेंट केस डॉक्टर। वीडियो आंटी, बाबा भाग, क्या डांस कर रही थी ये? इसे देखते ही कैसे चुप बैठो? आगे हो कर अंधा हो गया, मुंह रह कर भी गूंगा हो गया, कान रह कर भी बहरा हो गया। कंट्रोल माय सेल्फ। फिंगरप्रिंट्स, अरेस्ट वारंट, घटनास्थल के बिल्डिंग का फोटो, जिसे मारा उसका फोटो। अगर तेरे हाथ पैर बंधे हुए थे तो तूने इसे कैसे मारा? पुलिस को बेवकूफ समझता है? चल उठ जा। हे, कहाँ ना उठ जा, चल तुझे पुलिस स्टेशन ले जाना है। मदद से मुझे उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का पता चल गया है। एक बार वहां पहुंच जाऊं तो वो कौन है उसका पता लगा लूंगा। मैं गांधी रोड पे पहुंच रहा हूं, तुम लोग भी वहीं पहुंचो। जल्दी चलो, जल्दी चलो। पुलिस खड़ी है। रुको, जल्दी ओवरटेक करो।
हाथ में आए शिकार छूट जा, हाँ? जल्दी बैठो। यही हो बिल्डिंग। इसके साथ में जो लोग हैं उसका भी पता लगाओ। उसके हाथ क्या लगा है? वहां पे मैं क्या भूल गया? क्या भूल गया वहां पे मैं? अब उसके सहारे वो मुझ तक पहुंच जाएगा, और अगर मैं नहीं मिला तो मेरे साथ जो जो है उन सबको वो तकलीफ देगा, लेकिन उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। मुझसे डर गए ना? जानती थी कि तुम जरूर डर जाओगे। पागल हो गई हो? एक आदमी किस टेंशन में है वो क्या सोच रहा होगा, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, बस हर वक्त मजाक। क्या चाहिए तुम्हें? वो क्या है ना, मैं तुमसे कितना लव करती हूँ यही बताने के लिए यहाँ आई थी। लव? जब देखो लव। देखो, सुबह उठकर कॉफी पीकर बाथरूम जाकर पैंट शर्ट पहनकर ऑफिस जाकर वहाँ काम नहीं करके व्हाट्सएप पे मैसेज करके फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करके किसी के बारे में ना जान के हमारे आसपास कुछ हुआ था उसे भूल के अपने को क्या करना है ये सोचकर खामोश बैठ के अपनी सारी मान मर्यादा तोड़ के लव में पड़ी लड़की को पूरे शहर भर में घुमा के लूजर की तरह एक्ट करना मुझे नहीं आता। समझ गई? ये लो, तुमसे पैसे लिए थे ना। जगह देख के तो डर लग रहा है। नहीं, मुझे डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। भाई वो आ गई। कौन है वो? सर, वो कौन है ये बताने से पहले उसे जो मैंने उधारी दी थी उसका डबल पैसा आप मुझे लौटाओगे ऐसा इसने कहा था। सर, मेरे ख्याल से आज सुबह बाइक एक्सीडेंट में ही वो मारा गया है। मर गया? ये तुम लोगों को क्यों नहीं पता? हे, उसे मेरे हाथों से मारा था। सरजी, भाई पैन कार्ड से फोन नंबर मिला, उससे एड्रेस भी मिल गया है भाई। अब इसका क्या करूं? उसे मेरे हाथों से मरना चाहिए था लेकिन वो खुद मर गया। हाँ, Oh,
हेलो हेलो, अरे फोन करके जवाब क्यों नहीं दे रहे? हेलो, कौन है? उस न्यूज़पेपर में क्या लिखा, पढ़ो जल्दी पढ़ो। खड़े हुए लॉरी को केटीएम बाइक वाले ने आकर ठोका। मृतक का नाम अजय, केएम कॉलेज का स्टूडेंट। कौन है वो? तुम कुछ भी कर लो, वो कौन है ये मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताएंगे? मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ, इसलिए अपनी जान जोखिम में डाल के उसे बचाने के लिए यहाँ पर आई। इसको सब पहले से पता था, फिर भी इसने बड़े भाई को यहाँ वहाँ भटकाया। भाई ए, इसके मोबाइल में उसका नंबर होगा, निकालो। उसका नंबर इस मोबाइल में नहीं है। तू नहीं बताएगी तो क्या हुआ? वो ही आएगा। जब बिना किसी रिलेशन के वो लॉ कॉलेज के स्टूडेंट की जान बचा सकता है, तो उससे प्यार करने वाली लड़की की जान बचाने वो जरूर आएगा। मैं इंतजार करूंगा। अरे रुक जा भाई, मैंने ऐसे नहीं अंदर जा सकता था। अरे मुझे जाने दो, मुझे मैंने किडनैप किया था, बोल रहा हूं क्या कर रहे हो? अरे अरे रुको, अरे मैंने किडनैप किया था, मुझे जाने दो यार। अरे ले लो नीचे यार, चलो जाने दो ना। कौन है घर पर? ओमकार को किडनैप करने वाला मैं हूँ, देखता हूँ कौन क्या करता है। उसको फोन करके बता दो कि मैं उसके घर में आया हूँ। ओमकार को मैंने ही किडनैप किया है, ऐसा कहने वालों की लिस्ट में तुम्हारा नंबर 100 है। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, अब तक बहुत लोग आकर गए। ओमकार को किडनैप मैंने ही किया था। चलो मान लिया, अब जाओ। ए, तेरे भाई को मैंने यही मास्क पहन के किडनैप किया था। देख लिया, एक और आ गया तुम्हारी तरह। चलो निकलो यहाँ से। तेरे दोनों भाइयों की तो हालत खराब है, पर फिकर मत कर, ये जाबाज तुझे संभाल लेगा। जाओ यहाँ से। ए, तू मेरे बारे में जानती नहीं है? मैं कोलीवाड़ा के गली क्रिकेट का कोहली हूँ। फाइटिंग शुरू कर दू ना तो जैकी चैन भी शर्मा जाएगा। चेहरा देखो, हो गया ना मुझसे प्यार? जमाई राजा को बाहर ले जा रहे हो? ओंकार को जमानत पे छुड़ाओ कहा था, नहीं सुना। अब क्या क्या झेलना पड़ रहा है? मैं अपने नंबर से कॉल करूंगी तो तुम नहीं उठाओगे, ये मैं अच्छी तरह जानती थी, इसलिए दूसरे के फोन से वीडियो मैसेज भेज रही हूँ। तुमने ही मिनिस्टर के भाई को किडनैप किया है। जब मुझे पता चला, उस वक्त ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। उस दिन से हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती आई हूँ कि किसी प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें कभी कोई तकलीफ ना हो, और प्रॉब्लम अगर कोई होनी भी है तो वो तुम्हारे बजाय मेरे साथ हो। तुम दूसरों की तरह सेल्फिश होते तो मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती। मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है, प्लीज Understand me. I really love you. तूने जो किया वो सही है, मगर उस लड़की को डांटा ये गलत किया। सच में वो बहुत अच्छी लड़की है, और वो तुमसे सच्चे दिल से प्यार भी करती है। देखो बेटा, तुम बहुत लकी हो। उसे इसी वक्त फोन करके सॉरी कह दो बेटा। महाविद्यायै नमः, जगन्मात्रे नमः, महालक्ष्मी नमः, शिवप्रियायै नमः, ओम विष्णुमायायै नमः। इसकी माँ फोन कर रही है, वो भी करेगा, पक्का इसको ढूंढते हुए आएगा। बस उसे ये पता चल जाए कि मैंने इसका किडनैप किया है, उसके बाद हम उसे नहीं ढूंढेंगे, वो खुद ही हमें ढूंढता हुआ चला आएगा, और जैसे ही वो मेरे हत्थे चढ़ेगा मार दूंगा। बहुत रात हो चुकी है माँ, सुबह फोन करता हूँ। के चार लोग मारे जा चुके, तीन आईसीयू में हैं। डॉक्टर कह रहे हैं उनका बचना मुश्किल है, और दो का पोस्टमार्टम हो चुका है। पीछे हटिए आप लोग, पीछे रास्ता दो, पीछे हटिए रास्ता दो, जाने दो, आप हटिए पीछे जाओ। तू है तुम्हारे डिपार्टमेंट पर, इन लोगों को मारने वाले को छोड़कर यहाँ क्या करने आए हो? एक हत्यारा राजा की तरह जी रहा है, वो किसी और को मारे इससे पहले उसे खत्म
क्या होगा? कहा था ना पुलिस की नौकरी बंद कर, कहा था ना, पर तूने नहीं सुनी। अब मेरा क्या होगा? सर, सर, आप यहाँ हैं, पुलिस को पता चल चुका है। लॉयर ने फोन करके कहा है कि आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, जल्दी। रोहित, रोहित, तुम अंजलि को फोन करने वाले थे ना बेटा? पता कर, वो रात भर बेचारी सोई है भी या नहीं? वो फोन उठा नहीं रही है माँ। सर ये गाड़ी नहीं, पुलिस वालों को इस गाड़ी के बारे में पता है, उस वाली में चलिए। चलो जल्दी करिए, आइए सर जल्दी, अंदर अंदर, लड़की को अंदर बिठाओ, जल्दी करो, चलो बैठो बैठो। हम ये अर्जी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों से मेरी बेटी लापता है। आपकी बेटी है क्या? जी हाँ सर। ठीक है, आप बाहर जाकर वेट कीजिए, मैं बुलाता हूँ। ठीक है। लेकर आओ उसे। ये गाड़ी आपके लिए ठीक रहेगी सर। चलो चलो जल्दी चलो, फास्ट उठाओ इसे। मिनिस्टर साहब से आपकी बात करवाता हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, कस्टडी से फोन करवाना आसान नहीं है ना। एक बात, तुम सभी लोगों का मोबाइल नंबर पुलिस के पास है, वो तुम्हें ट्रेस कर सकते हैं। तुम सब अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। सर कृष्णमूर्ति बोल रहा हूँ। पता है सिचुएशन क्या है? मोबाइल पे फोन क्यों किया? लॉ मिनिस्टर का भाई इस वक्त मेरे साथ है। हाँ अभी फोन रखिए, बाद में बात करूंगा। फोन कट नहीं किया है, भाई की जब आवाज सुनाई दे तभी बात करना। लगता है सर बाहर जा रहे हैं, यही मौका है। सर आपका भाई लाइन पर है। हेलो भाई, कैसे हो भाई? तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। आपको टॉर्चर तो नहीं कर रहे ना? वो सब मैं देख लूंगा। तुम 2-3 साल के लिए कहीं विदेश चले जाओ। तुमने पुलिस वालों को मारा है इसीलिए वो तुम्हारा एनकाउंटर कर देंगे। पुलिस वालों ने ये तय कर लिया है। इतना सब कुछ करने वाले को मौत के घाट उतार दूंगा उसे। मेरी बात सुन, पुलिस वाले तुझे मार डालेंगे। यहाँ क्या कर रहे हो वेंकटेश जी? सर, पानी सर। पिलाओ पिलाओ। लीजिए लीजिए। ऐसा लगता कि भाई के पास दूसरा ऑफिसर आया है। तुम्हारे इस लॉ मिनिस्टर ने कुछ बताया? ये कुछ नहीं बता रहा है सर। देशद्रोही, तुम्हारे जैसे लोगों को गवर्नमेंट ने कानून मंत्री बना दिया है तो इस देश का क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगा? तुम्हें अरेस्ट किया तो डिपार्टमेंट के साथ मीडिया वाले मुझे भी हीरो बना देंगे, लेकिन असली हीरो कौन है ये तुम्हें पता है? तुम्हारे भाई की किडनैपिंग कराकर जिसने तुम्हारे मंत्री पद को तुमसे छीना है ना, वही है दरअसल असली हीरो। ए, उसे मारने के बाद तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए, चुप रह तू। सर फोन पे ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। फोन दीजिए सर, प्लीज सर। पुलिस से सच्चाई छुपाने की बिल्कुल मत सोचना। अगर पुलिस खामोश बैठी है तो ये समझ लो कि वो किसी बड़े चक्रव्यूह की तैयारी में लगी हुई है। तुम्हारी है? सरकार की तनख्वाह से तुम्हारा पेट नहीं भरता क्या? कितने पैसे मिले? कितनी रिश्वत खाई है? 2 करोड़। इसके साथ काम करते हुए तुमने अपनी जमीर को बेच दिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ? इसके भाई ने हमारे डिपार्टमेंट के 4 लोगों को मारा है, लॉ कॉलेज के 3 स्टूडेंट्स को मारा है। ऐसे क्रिमिनल का साथ देने से पहले मर जाना चाहिए तुम्हें। और क्या करता? जब इसका मन आया इसने दंगे करवाए, जब मैंने आया किसी का किडनैपिंग करवा दिया, इसके साथ सही हुआ,
इसे शूट करने गया तो इसे मैंने शूट कर दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ से। सुनो सर, इसके लास्ट इनकमिंग कॉल को ट्रेस करो। वेंकटेश को इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट करो। वहाँ वो किसी से मिलने ना पाए। ओके राइटर, इनका केस जल्दी खत्म करो। पुलिस स्टेशन में किसी को मत रहने दो, सबको भेज दो जल्दी। डिपार्टमेंट के लोग किसी भी हालत में हमारी मदद नहीं करेंगे। आप इस तरह से घूमते रहेंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे सर। भाई ने जैसा कहा है वैसा कीजिए, विदेश चले जाइए, सारा अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। इस लड़की को मैंने किडनैप किया यह जानने के बाद वो यहाँ जरूर आएगा। उसके टुकड़े टुकड़े करके भाई ने जो कहा है वो करूंगा। सर आपने जहाँ कहा था हम वहाँ पहुँच गए हैं। सर यहीं कहीं रिंग हो रही है सर। अंजलि, अंजलि, ओमकार ने ही अंजलि का किडनैप किया है। मुझे पता चले इसलिए उसने कुत्ते के गले में मोबाइल बांधा है। वो मेरा ही तरीका अपना रहा है। जहां मैंने उसे छुपाया था अंजलि को भी वो वहीं ले गया होगा। जहां भी जाते हैं पुलिस को उस जगह का पता कैसे चल जाता है। यहां से निकलते हैं लेकिन इसको अपने साथ लेकर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। इसे यही खत्म कर देते हैं। ये लीजिए। जब तक वो मेरे सामने नहीं आ जाता तब तक इसको जिंदा रहना होगा। अच्छी तरह से सर्च करो, तुम मेरे साथ आओ। कोई मिला वहां? कोई नहीं सर, कोई नहीं मिला। छे।
जानती थी कि तुम जरूर आओगे और मुझे बचा लोगे। तुम्हारा यहाँ आना इस बात का सबूत है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अंजलि, अंजलि, पहली बार तुमने मेरा नाम पुकारा है, सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अंजलि, मैं यहाँ हूँ, अब मैं उसे कैसे बताऊँ? अंजलि, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ, इस तरफ देखो। अंजलि, अंजलि, उसे कुछ मत करना, उसका इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। तू मुझे ढूंढ रहा था ना, मैं आ गया हूं। अंजलि, अंजलि, जवाब दो। मैं कौन हूं ये पता करने के लिए ये खेल खेल रहे हो ना? तो मैं बताता हूं मैं कौन हूं। अब पता चला तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। अब क्या करूं मैं? यकीन हो गया कि मैं तुमसे प्यार करती, इतना ही मेरे लिए काफी है। भाई, अब आगे क्या करें? इसका नंबर और वो जो हॉस्पिटल में है उसका नंबर, दोनों के इनकमिंग आउटगोइंग का लिस्ट निकालो। उन दोनों में जो कॉमन नंबर हो वो नंबर मुझे चाहिए। हाँ। ओके। इन दोनों के नंबर में से ये तीन नंबर कॉमन है सर, उनमें से एक सर्विस सेंटर का नंबर है सर। बाकी दो नंबर पे कॉल करो। हेलो, ये आपका नंबर है क्या? थू, बेवकूफ, मेरे नंबर पे फोन करके तुम मुझसे पूछ रहे हो कि ये मेरा नंबर है कि नहीं? तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है क्या? फोन रखो। क्या हुआ? कोई लेडी थी सर। दूसरे नंबर पे फोन करो। उठा उठा। ए, मैं कौन हूँ ये तो तू जानता ही है। अगर वो लड़की तुझे जिंदा चाहिए तो मुझे ढूंढ निकाल। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करने जा रहा हूँ इसका तू अंदाजा लगा। कहाँ है तू? तू एक एक करके अपनों से दूर जाने के लिए तैयार हो जा। मर्द का बच्चा है तो बता कहाँ है तू? क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? आएगा ये मुझे पता था। सोचा था तू अपनी मां को खोने के बाद आएगा, लेकिन तू तो उससे पहले ही आ गया। अब वो खुद ब खुद मर जाएगी तुझे मरता देखकर। अब तक तू मुझे ठीक से जान नहीं पाया,
अब जान जाएगा। माँ। हाँ बेटा, आज इन्हें ऐसा सबक सिखाना कि जिंदगी भर ये लोग दादागिरी करना छोड़ दें। मुझे मत मारिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। एक बार के लिए क्रिमिनल्स को माफ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जो सपोर्ट करता है, ऐसे नीच पापी अधर्मी लोगों को कभी माफ मत करना। और मार इसे। सर, 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 आपने इसे जहाँ किडनैप करके रखा था ना, वो लड़की भी वहीं पर है सर। मुझे मत मारिए सर। वो तुझे नहीं मिलेगी। कहाँ है वो? कहाँ है वो? अंजलि, मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगा। बोल कहाँ है, बता वरना जान से जाए। अंजलि, तो कितना भी चिल्ला ले, फिर भी वो किस बिल्डिंग में है ये तू कभी पता नहीं लगा पाएगा। तू तब जानेगा जब उसकी जान निकल जाएगी, उसकी डेड बॉडी की गंदी स्मेल पूरे शहर में फैल जाएगी, तब तुझे पता चलेगा। ये देख, एक अच्छे इंसान के प्लान और गंदे इंसान के प्लान में फर्क। आज तू जरूर हारेगा। मार, माना जितना दम है आजमा के देख ले, फिर भी तू मुझसे कुछ नहीं उगलवा पाएगा। उसकी मौत की वजह तू खुद है, ये सोच सोच के तड़पेगा। प्लान्स क्या हैं? तुम क्या करने का सोच रहे हो, ये सब मुझे पता है। मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है। प्लीज अंडरस्टैंड मी, आई रियली लव यू। मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है, मैं इस तरह हार नहीं मान सकती। मुझे उसका ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। आहा।
कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसे किडनैप करने वाले को देखने की बड़ी इच्छा थी मेरी। देख लिया, तुम्हारे जैसे इंसान से कानून को भी सवाल करने का हक नहीं। शाबाश। इस क्रिमिनल को शूट करके मुझे क्या मिलेगा? 10 दिनों में रिटायर हो जाऊंगा। तुम शूट करो इसे, तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। शूट हिम। हमारे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ कानून की नहीं है, हमारी भी है। अगर हम सब अपना फर्ज निभाएं, तो जुर्म का नामो निशान नहीं रहेगा। नटखट तेरा प्यारा, हाँ हाँ, चुल बोला मेरा यारा, हाँ हाँ।
जहाँ